मैं क्या हुआ आनंदनी, आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष खबर लाई हूँ। मेरे लिए ऐसी क्या खबर लाई हो? मैं कुछ ऐसा लाई हूँ जो तुम्हें बहुत प्रिय है। मैंने काना को माखन चोरी करते हुए पकड़ा। यह देखो। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो काना को माखन चोरी करते हुए पकड़ा था। मुझे याद है यशोदा, मैं उसे ही पकड़ कर लाई थी। यह तो सच में आश्चर्य की बात है आनंदनी, परंतु यह तो तुम्हारा प्रिय पुत्र दिखाई दे रहा है। वृंदावन की गोपिया ऐसा कैसे सोच सकती है कि कान्हा, मेरा कान्हा, दूसरों के घर जाकर माखन चोरी करेगा? क्या मेरे घर पे माखन नहीं है जो उसे दूसरों के घर जाकर माखन चोरी करना पड़े? ऐसे ही हर दिन गोपिया मैया यशोदा से शिकायत करती थी। एक दिन नंद भवन की सभी दासियां इंद्र पूजा की तैयारियों में व्यस्त थी। कान्हा गहरी नींद में सो रहे थे। मैया ने सोचा, हो सकता है कि कान्हा को इन दासियों के हाथ का बना माखन अच्छा नहीं लगता हो। जरूर ये दासियां मेरे कान्हा के लिए मन से माखन नहीं बनाती होंगी। शायद इसीलिए कान्हा दूसरों के घर जाकर माखन चोरी करता है। नहीं, यह सही नहीं है। आज मैं स्वयं अपने लाला के लिए माखन बनाऊंगी। इस तरह मैया यशोदा कृष्ण को स्मरण करते हुए, उनके यश का गुणगान करते हुए माखन बनाने लगी। मैया इतने प्रेम से कृष्ण को याद कर रही थी कि कृष्ण की नींद खुल गई। मैया, ओ मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दे दो। आओ मेरे प्यारे लाला। इतने में चूल्हे पर रखा दूध उफन कर गिरने लगा। ओह, मैंने तो चूल्हे पर दूध चढ़ाया था। कान्हा, जरा ठहरना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैया ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। कृष्ण रूठ जाते हैं और गुस्से में आकर वे मटकी फोड़ देते हैं। दाऊ जी, सीतामा, जल्दी इधर आ, चलो माखन खाते हैं। माखन चोर हमारा कान्हा, यह क्या है? देखो, तुमने सब खराब कर दिया। भला कृष्ण को कौन पकड़ सकता है?
बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों की तपस्या करने पर भी कृष्ण को अपने हृदय में नहीं बांध सकते, तो फिर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना असंभव है। परंतु मैया यशोदा अपने प्रेम के द्वारा उन्हें पकड़ लेती है। कुंती देवी अपनी प्रार्थना में कहती है कि भगवान कृष्ण जो भय को भी भयभीत करते हैं, माता यशोदा के भय से भागते हैं। कान्हा रुको। जब मैया थक जाती है तो कृष्ण उन्हें स्वयं को पकड़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि वे केवल शुद्ध भक्ति द्वारा जीते जा सकते हैं। आखिर तुम पकड़े गए, अब मैं तुम्हें दंड दूंगी, क्योंकि इस ओखल ने तुम्हारी शैतानियों में तुम्हारा साथ दिया है। आज मैं तुम दोनों को बांध दूंगी। ओ सखी, मुझे ओखल के साथ मदद करो। ओ सखी, जरा रसिया तो लेकर आना। अरे, यह रस्सी तो दो उंगली छोटी पड़ रही है, और रस्सियां लेकर आओ रति। फिर छोटी पड़ गई, और रस्सी लेकर आओ। बहुत प्रिय है, उसे छोड़ दो। तुम रहने दो। इस प्रकार गोपियों ने बहुत सारी रस्सियां लाकर दी, परंतु रस्सियां हर बार दो उंगली छोटी पड़ रही थी। हमारे आचार्य समझाते हैं कि दो उंगलियों का अर्थ है हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। हमारे लगातार प्रयास से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तब वे हम पर कृपा करते हैं। इस कृपा के सहारे हम उन पर उन तक पहुँच सकते हैं। भगवान तक पहुँचने की और कोई विधि नहीं है। आखिर तुम बन गए। अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे शैतानी करते हो। कृष्ण घुटनों के बल चलते चलते घर के आंगन में पहुंच गए। इस आंगन में दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष थे। ये दोनों पेड़ कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। एक बार ये दोनों कुमारियों के साथ नग्न अवस्था में नहा रहे थे। चूंकि वे दम के नशे में डूबे हुए थे, उन्होंने नारद मुनि का सत्कार नहीं किया, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। क्योंकि ये दोनों युवक पेड़ के भांति नग्न हैं, इन्हें पेड़ की योनि में जन्म लेना होगा। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि उनका उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के वचन का मान रखने के लिए कुबेर के दोनों पुत्र का उद्धार किया। हे भगवान, आप अत्यंत कृपालु हैं। आपने हमें पेड़ की योनि से मुक्त कर दिया। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।
कृष्णा कृष्णा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कृष्णा कहाँ हो? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यह क्या यशोदा, तुमने तो कृष्णा को इतनी बुरी मुसीबत में डाल दिया। भगवान की कृपा से कृष्णा बच गया। मैया यशोदा कृष्ण को मनाने लगती है, परंतु कृष्ण उनसे रूठे रहते हैं।